बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आमतौर पर लोग अपनी बात दूसरों को समझा नहीं पाते, जिसकी एक वजह समझाने का अंदाज ठीक ना होना भी है। सही बात भी अगर गुस्से में की जाए या गलत अंदाज में समझाई जाए तो बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है। इसलिए लोगों को अपनी बात समझाते वक्त अच्छा अंदाज अपनाना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम शुरू करते हैं अपने खबरनामे को और सबसे पहले सुनते हैं हेडलाइंस। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। बीमारियों की मालूमात मेडिकल डेस्क में शामिल करेंगे स्पेशल रिपोर्ट। मदनी मुजाकरे की अपडेट उर्स मुबारक। मदरसतुल मदीना के तकसीम असनाद इज्तिमा की खबरें। देखेंगे शरारत भरे पैकेज की शरारतें और सीखेंगे नन्हे उस्ताद से अच्छी अच्छी बातें। हेडलाइंस आपने जानी और अब हम चलते हैं तकसीम असनाद इज्तिमा की जानिब और देखते हैं कि साइम भाई हमें क्या अपडेट दे रहे हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। मैं हूँ साइम और आज मैं आपको मदरसतुल मदीना में तकसीम असनाद के बारे में बताऊंगा। यार बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दावत इस्लाम की काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं। सुन्नतों की खिदमत और कुरान के पैगाम को आम करना, लोगों को कुरान की तरफ बुलाना, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करना दावत इस्लामी का काम है। बच्चों बड़ों यानी हर उम्र के अफराद के लिए कुरान पाक की तालीम को मुफ्त फराहम करना दावत इस्लामी का खासा है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मदरसतुल मदीना कराची सिटी में 28 जुलाई 2024 बरोज इतवार बाद नमाज इशा दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में 2022 और 2023 में हिफ्ज कुरान की शहादत पाने वाले खुशनसीब तलबाए कराम का अजीमुशान इज्तमाई तकसीम असनाद हुआ, जिसमें दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी ने कुरान पाक की तिलावत से मुतालिक बयान भी फरमाया और हुफाज़े कराम और इनके सरपरस्तों समेत मदनी चैनल के नाज़रीन को रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत की तरगीब भी दिलाई। बयान के अख्तिताम पर निगरानी शुरा ने शुरका को अमीर अहले सुन्नत का मुरीद भी बनाया। नीज रमज़ान शरीफ की सहरी में होने वाले मुनफरिद प्रोग्राम नूरे कुरान के फाइनलिस्ट टीमों के दरमियान एक मुख्तसर मुकाबला हुआ। इसके बाद निगरानी शुरा ने नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले बच्चों और असातिज़ा कराम में हुस्ने कारकर्दगी और तहाइफ, जबकि खुशनसीब हुफाज कराम को असनाद भी तकसीम की। आइए इस इज्तिमाए पाक के रूह परवर मनाजिर देखते हैं। खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों। माशाल्लाह बहुत खूब। इसके साथ ही चलते हैं स्पेशल रिपोर्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की रिपोर्ट किस टॉपिक पर तैयार की गई है। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। मैं हूँ फहद और मैं आज स्पेशल रिपोर्ट लेकर आप सबकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। प्यारे बच्चों
आज हम एक ऐसे जानवर के बारे में बात करेंगे जिसके जिस्म पर ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप्स होती हैं। चले आपको सबसे बड़ी हिंट भी देता हूँ कि जानवर घोड़े से मिलता जुलता है। कहा जा सकता है कि दुनिया में जमीन का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा घास पर फैला हुआ है। बच्चों, ज़ेब्रा एक ऐसा जानवर है जो ज्यादा घास वाली जमीन पर पाए जाते हैं। इनके जिस्म पर मौजूद ब्लैक और व्हाइट कलर के स्ट्राइप्स नजर आते हैं। ये जो स्ट्राइप्स हैं ज़ेब्रा पर, ये एक तरह का कैमोफ्लेज बन जाता है। असल में ज़ेब्रा सफेद रंग का है जिस पर काले रंग की स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, जो बिल्कुल इंसान के फिंगरप्रिंट्स की तरह यूनिक होती हैं। ये कलर ब्लाइंड जानवरों के लिए घास और ट्री ब्रांचेस का बेस बदलकर उन जानवरों के लिए कैमोफ्लेज बन जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक काटने वाली मक्खियों को ज़ेब्रा पर बने हुए स्ट्राइप्स नहीं पसंद आते, इसलिए ज़ेब्रा उन काटने वाली मक्खियों से हमेशा बच जाता है। ज़ेब्रा आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, इसी वजह से इन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल किया गया है। ज़ेब्रा के मेल को स्टेलियन, फीमेल को मेर और इनके बच्चों को फॉल्स कहते हैं। ये जानवर ग्रुप में रहते हैं जिन्हें हर्ट्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि ज़ेब्रा कलर्स देख सकते हैं पर ऑरेंज कलर नहीं देख सकते? सबसे बड़े ज़ेब्रा का नाम बताता जाऊं, जो ग्रेव्स ज़ेब्रा है। ये बहुत तेज भाग सकते हैं। इनकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा 65 किलोमीटर पर आवर तक रिकॉर्ड की गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़ेब्रा आपस में कम्युनिकेशन अपने फेस यानी चेहरे के जरिए करते हैं। खाने में ज़ेब्रा सिर्फ घास, हरे पौधे, चने और फली वगैरह खाते हैं, जिसे इंग्लिश में हर्बीवर्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, ज़ेब्रा के दांत पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, क्योंकि चारा खाने और जुगाली करने से इनके दांत टूटते या खराब होते रहते हैं। ज़ेब्रा हमेशा चलते फिरते रहते हैं ताज़ा घास और पानी की तलाश में। कभी कभार तो ये हजारों की तादाद में जमा हो जाते हैं अच्छे खाने की तलाश में। ज़ेब्रा घोड़े के मुकाबले में ज्यादा गुस्से में रहने वाला जानवर है। जितनी आसानी से घोड़े पर सवारी की जा सकती है, उतनी आसानी से ज़ेब्रा पर मुमकिन नहीं। इनकी एवरेज एज तकरीबन 25 ईयर्स होती है। हाइट 3.9 फीट से 4.5 फीट तक हो सकती है और वजन 350 केजी तक हो सकता है। बच्चों, ज़ेब्रा ज़िगज़ैग मोशन में भागते हैं ताकि शिकार होने से बच सकें। ज़िगज़ैग लाइंस का बकायदा इस्तेमाल रोड और ट्रैफिक साइन में भी किया जाता है। प्यारे बच्चों, ज़रूरी है कि हम अल्लाह पाक के इन खूबसूरत जानवरों के बारे में जानें, ताकि हम अल्लाह पाक की कुदरत और इनाम का सही लुत्फ उठा सकें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। देखा बच्चों, फहद भाई ने मालूमाती इन्फॉर्मेशन आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमसे शेयर की। उम्मीद है कि हमारे साथ साथ आपने भी इससे जरूर मालूमात हासिल की होंगी। इसके साथ ही चलते हैं एक्टिविटी डेस्क की जानिब। रज़ान भाई, एक्टिविटी डेस्क में क्या होगा, जरा हमारे नाजरीन को तो बताएं। जी, मैं आपको और किड्स मंदिर चैनल के नाजरीन को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की एक्टिविटी दिखाऊंगा, जिसमें एक्टिविटी से इल्मे दीन सिखाने की कोशिश की गई है। जी जी सजान भाई, वैसे भी हमारे किड्स मंदिर चैनल के प्रोग्राम की एक्टिविटीज बहुत मशहूर हैं, और क्यों ना हो हमारी पीडी टीम इतनी मेहनत से किड्स प्रोग्राम, एक्टिविटीज और सेगमेंट तैयार करती है। अल्लाह पाक उनकी काविशें कबूल फरमाए, आमीन। जी, आज मैं आपको किड्स मंदिर चैनल के प्रोग्राम रोशन करने की एक एक्टिविटी दिखाने ले जा रहा हूँ। एक्टिविटी का नाम है A to Z। जी, तो आए देखते हैं और सीखते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। जी तो भाई बच्चों, इस में नहीं होता है कि दो टीम बनाई जाती है, टीम ए और टीम बी, और दोनों टीम से हम यहाँ पे बच्चों को बुलाते हैं और उनसे बॉक्सेस सेलेक्ट करवाते हैं। जिस बॉक्स में से जो सवाल निकलता है उस बच्चे को सवाल का जवाब देना होता है। दो टीम ज्यादा सवाल के बिल्कुल सही जवाब देती है, वो इस सेगमेंट के बिना होती है। ये तो आज दोनों टीम रेडी है। जी जी, तो मैं सीधा आता है टीम में और उल्टा आता है टीम बी। जी तो मेरे टीम ऐसे कौन आएगा। तो दूर अंधेरा हो जाए, रात खिलता सवेरा हो जाए, रात खिलता सवेरा हो। जी हम ना पाइए रोशन किरने, 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 रोशन किरने। जी हमने आपके लिए सवाल है, पानी कौन सा हाथ से पीना चाहिए? सीधे हाथ से।
बताइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। सुब्हानअल्लाह। ये टीम ऐसे कौन आएगा? हम आए तो दूर अंधेरा हो, हम आए तो दूर अंधेरा हो, जाए रात खिलता सवेरा हो। जाए नूरा पाइए सवेरा हो। फातिहा के बाद आपने जो आप सूरह फातिहा के बाद आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। ये जो टीम में से कौन आएगा? रोशन किरने 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 जी अरवा पाइए। रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने रोशन किरने
सवाल है, नमाज में भेजो किस तरफ सलाम भेजा जाता है? सीधी तरफ। आपने जो अभी सीधी तरफ आपका जवाब दोस्त है सुभान अल्लाह। कौन से बेटे को कुर्बानी के लिए पेश किया था? हजरत इस्माइल अलैहि सलाम को। आपने जो अभी इस्माइल अलैहि सलाम को आपका जवाब दोस्त है सुभान अल्लाह। ये तो प्यारे बच्चों किस मन देंगे नाज़रीन, हमने यहाँ पर चार चार बच्चों को बुलवाया और उनसे बकरे सेलेक्ट करवाए और उनसे सवाल पूछे, दोनों टीम ने सारे सवाल के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, तो ये सेगमेंट दोनों टीम के बीच में टाई हुई है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कैसा लगा आपको? उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह पाक हमें इल्मे दीन सीखने वाला बना दे, आमीन। इसके साथ ही चलते हैं मदनी मुज़ाकरे की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे पास मदनी मुज़ाकरे के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। बच्चों का खबरनामा। प्यारे बच्चों, मदनी चैनल का सबसे फेमस और स्पेशल प्रोग्राम है मदनी मुज़ाकरा, जिसमें प्यारे प्यारे मुर्शिद करीम अमीर अहल सुन्नत खुद मौजूद होते हैं और प्यारे प्यारे मुर्शिद अमीर अहल सुन्नत से किए जाते हैं मुख्तलिफ सवालात और अमीर अहल सुन्नत देते हैं उनके प्यारे प्यारे जवाबात। मदनी मुज़ाकरे में बहुत सारे लोग फिजान मदीना में हाजिर होकर मुर्शिद करीम की ज़ियारत करते हैं और सुनते हैं मदनी मुज़ाकरा और बहुत सारे लोग मदनी चैनल के जरिए मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते हैं और सीखते हैं प्यारी प्यारी दीनी बातें। मदनी मुज़ाकरा हर एक को देखना चाहिए, इसमें होती हैं सबके लिए इल्म की बातें, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। और जी हाँ, मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहल सुन्नत से सवालात होते हैं जिनके जवाबात अमीर अहल सुन्नत बहुत ही प्यारे और अच्छे अंदाज में देते हैं। जैसा कि मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहल सुन्नत से एक सवाल हुआ, गुस्से का इलाज कैसे किया जाए? जो गुस्से में अपने आप को नुकसान पहुंचाता हो तो उसे कैसे समझाएं? अमीर अहल सुन्नत ने फरमाया, जी हाँ, लोग गुस्से में अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, खुद को मारते हैं, बर्तन तोड़ते हैं। गुस्से में इंसान इस तरह हो जाता है कि उसे उसकी वीडियो दिखा दी जाए तो वो शर्मा जाए, क्योंकि गुस्से में इंसान पागल लगता है। गुस्सा वाकई परेशान और तबाह करने वाला है, लोग गुस्से में आके खुदकुशी कर लेते हैं, ये दूसरों को भी तबाह कर देता है। गुस्से के इलाज ये है कि इंसान उस जगह से हट जाए, खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा हो तो लेट जाए, वजू कर ले और गुस्से में बोले नहीं। हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक को राजी करने के लिए बंदे ने जो गुस्से का घूंट पिया उससे बढ़कर अल्लाह पाक के नजदीक कोई घूंट नहीं। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इसके साथ ही आपको दिखाने जा रहे हैं शरारत भरा पैकेज, जिसे देखकर आप एंजॉय भी करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी, तो आइए चलकर देखते हैं। बच्चों का खबरनामा। बच्चों का खबरनामा। राफे। जी बाबा जी। यहाँ आइए। जी बाबा जान। बेटा कमरे से जाने के बाद लाइट और पंखे बंद कर दिया करें। लाइट मैंने तो ऑफ कर दी थी। शायद मुस्तफा भाई बंद करना भूल गए होंगे। बच्चों का खबरनामा
बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का। राफे जी बाबा, ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? मैंने तो बंद कर दिया था, लगता है मुस्तफा भाई ने खुला छोड़ दिया होगा। अजीब है, हर बार मुस्तफा का नाम ही लेते हैं। खबरनामा बच्चों का, खबरनामा, खबरनामा बच्चों का, खबरनामा, बच्चों का, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। बहुत भूख लग रही है भाई। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। बगैर रात दो ही खाने बैठ गए जी। वो मुस्तफा भाई ने मेरे हाथ नहीं धुलाए, ये कैसी बेवकूफों वाली बात बोली मैंने। राफे बेटा, हर बार किसी और का नाम लेना, अपनी गलती ठीक ना करना अच्छी आदत नहीं। और अब भी आपके मुंह से मुस्तफा इसीलिए निकला क्योंकि आप अपनी आदत पर गौर नहीं करते, फौरन ऐसे किसी का नाम लेते हैं जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, आइंदा अपनी गलती किसी और पर नहीं डालूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है बेटा, जाइए हाथ धोकर आइए, फिर मिलकर खाना खाते हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा खाका था। अब वक्त हुआ है एक और खाके का, जिसका नाम है नन्हे उस्ताद। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा। उबैद भाई, स्टोरी बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी सोने का टाइम हो चुका है, सोने की तैयारी कर लीजिए, जब तक मैं मिसवाक करके आता हूँ। बच्चों का खबरनामा। उस्ताद भाई आएंगे और आकर सोने कहेंगे। नहीं, मैं आज ही स्टोरी मुकम्मल करके सोऊंगा। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। वेद भाई कहाँ चले गए? मैंने इन्हें सोने की तैयारी करने का बोला था। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, यहाँ पर भी नहीं है, बाबा से जाकर पूछता हूँ। बच्चों का खबरनामा, ढूंढते रह जाएंगे पर मिलूंगा नहीं। बाबा, उबैद भाई नहीं मिल रहे? क्या मतलब नहीं मिल रहे? ठीक से देखें, रूम ही में होंगे वो। नहीं, वो वहाँ भी नहीं है। फिर कहाँ गए वो? बाबा मैंने यहाँ पर भी देख लिया, पूरे घर में देख लिया, मुझे नहीं मिले। यहाँ पर भी दोबारा देख लेते हैं। खबरनामा बच्चों का, खबरनामा बच्चों का, खबरनामा, खबरनामा। ये क्या मजाक है वैद, यहाँ क्या कर रहे हो आप? वो मैं किताब पढ़ रहा था बाबा। आपको मालूम नहीं है सोने का वक्त हो गया है? बुक तो आप कल भी पढ़ सकते थे। इसके लिए छुप के पढ़ने की क्या जरूरत थी बाबा? वो मैं स्टोरी मुकम्मल करना चाहता था। बेटा, रात अल्लाह पाक ने सोने के लिए और आराम करने के लिए बनाई है। रात की नींद सेहत के लिए बहुत जरूरी है, अच्छी नींद की वजह से आने वाला दिन भी अच्छा गुजरता है, जिससे में एनर्जी होती है, अल्लाह पाक की इबादत में भी दिल लगता है और दिन भर के दूसरे काम भी ठीक से हो पाते हैं। सॉरी बाबा, आइंदा मैं वक्त पर सो जाऊंगा इंशाल्लाह। चले फिर सोने की तैयारी करें। खबरनामा बच्चों का, खबरनामा, खबरनामा। माशाल्लाह बहुत खूब। और सबसे आखिर में वक्त हुआ है हमारी सबसे आखिरी रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको एक बहुत अहम शख्सियत के बारे में बताएंगे। तो आइए चल कर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। इस्लामी साल के दूसरे महीने सफर शरीफ में भी आराज का सिलसिला होता है और आज हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रदियल्लाहु अन्हा के बारे में सुनेंगे। आपका नाम पहले बर्रा था, जिसका माना है नेक। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल कर मैमूना रखा, जिसका माना है मुबारक। आपके वालिद का नाम हारिस है और वालिदा हिंद बिनते औफ हैं। इल्म व हिकमत, तकवा और परहेजगारी और अल्लाह पाक और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी, ये सारी खूबियाँ आप रज़ियल्लाहु अन्हा में मौजूद थीं। 7 हिजरी ज़िकात शरीफ के महीने में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। जिस वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हा को निकाह का पैगाम दिया गया था, उस वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हा ऊँट पर सवार थीं। पैगाम सुनकर आप रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी, ऊँट और जो ऊँट पर सवार है वो अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हज़रत मैमूना रदियल्लाहु अन्हा हम सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक से डरने वाली और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाली थीं।
आप रज़ी अल्लाहु अन्हा बहुत अकलमंद और समझदार थीं। सफ़र हज के मौके पर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम को यौम अरफा यानी नौ ज़िलहज शरीफ के रोज़े के बारे में शक हुआ। मालूम नहीं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हैं या नहीं। ये मालूम करने के लिए हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाहु अन्हा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दूध का प्याला भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पी लिया। इस तरह सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम को मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन रोज़े से नहीं हैं। आप रज़ी अल्लाहु अन्हा ने सफ़र शरीफ के महीने में 51 हिजरी या 61 हिजरी में इंतकाल फरमाया। अल्लाह पाक की आप पर करोड़ों रहमतें हों और आपके सदक़े हमारे बेहिस्सा मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिर नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बहुत खूब। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मज़ीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के लिए देखते रहिए बच्चों का खबरनामा, और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मनी चैनल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का खबरनामा बच्चों का मदनी चैनल आ गया।